ये देखिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड, तो यहीं पे अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। सो बोर्ड तो फटा हुआ है लेकिन आई थिंक कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 2.1 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और ये जो आप बीच में बाउंड्री देख रहे हो ब्लू कलर की, उसके उस पार एयरपोर्ट का काम चल रहा है। कंपैरिजन में ये प्रोजेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई गुना बड़ा होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं तेजस मालव, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मैंडेलिन व्लॉग्स में। तो पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था कि मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट का अपडेट लेके आने वाला हूं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवी मुंबई एयरपोर्ट के पूरे अपडेट के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों 40 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद फाइनली एयरपोर्ट का काम जहाँ पे चल रहा है उसके एंट्रेंस पे खड़ा हूँ मैं। तो अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड, तो यहीं पे अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। सो बोर्ड तो फटा हुआ है लेकिन आई थिंक कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली चल रहा है, तो देखते हैं। तो अभी मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के इस तरफ खड़ा हूँ और ये जो आप बीच में बाउंड्री देख रहे हो ब्लू कलर की, उसके उस पार एयरपोर्ट का काम चल रहा है। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि ऑफिशियली डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, तो डीबी पाटिल यानी डेट दिनकर बालू पाटिल। और जिन लोगों को नहीं पता डीबी पाटिल कौन है उनको मैं बता दूं कि डीबी पाटिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, और उनका किसानों की जमीन के लिए बहुत ही बड़ा योगदान था। 1970 में उन्होंने बहुत सारी जमीन थी वो खुद खरीद ली थी और कम कीमत में उन्होंने वो जमीन किसानों को बेच दी थी। नवी मुंबई एयरपोर्ट के लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये इसका लोकेशन नवी मुंबई उलवे में होने वाला है और ये एयरपोर्ट तीन फेजेस में बनने वाला है। तो पहला फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तब 1 करोड़ पैसेंजर्स एक साल में ट्रैवल कर सकेंगे और यही संख्या बढ़ के फेज 3 तक 9 करोड़ तक जाएगी, यानी 9 करोड़ पैसेंजर्स पूरे एक साल में इस एयर सेवा का फायदा उठा सकते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट सिडको के अंडर बन रहा है, सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की बात करूं तो 1997 से लेकर आज के डेट तक यानी 2023 जनवरी तक की बात करूं तो ये बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, 20 साल पुरानी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1997 में पहली बार इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी मोका यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो कि एयर ट्रांसपोर्ट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसी वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का काम भी चल रहा था। ईयर 2000 में सिडको ने मोका को एक रिपोर्ट सबमिट की थी और उसके बाद AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने TEFS यानी टेक्नो इकोनॉमिकल फेसिबिलिटी स्टडी की मांग की थी। TEFS का मतलब ही यही होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी स्टडी करने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और यही काम TEFS करती है। फिर ईयर 2001 में TEF स्टडी स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दी गई थी और उसके बाद एंट्री होती है ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। और इस एजेंसी का काम ही यही है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी और टेक्निकलिटीज का ध्यान रखना। और फिर ICAO ने इन दोनों एयरपोर्ट्स का काम एक साथ होने की परमिशन दी थी क्योंकि उसी वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सटेंशन का वर्क भी चल रहा था। और उसके बाद बहुत सारा पेपर वर्क और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की गई थी जिसमें 8 साल बीत गए थे और 8 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे दिया था। 2010 में MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल सिक्योरिटी और एयर सेफ्टी के रिलेटेड। और फिर 5 फरवरी 2014 में सिडको ने बड़े बड़े कंपनी से टेंडर लेना शुरू किए और उन कंपनीज में हीरानंदानी ग्रुप, GMR ग्रुप और GVK ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी। और फिर 2017 में GVK ग्रुप ने 12.6% शेयर रेवेन्यू के साथ ये टेंडर्स अपने नाम किए। लेकिन 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 अभी भी इस प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि कुछ लोकल विलेजर्स ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया था। और फिर इन सब कठिनाइयों के बाद फाइनली फरवरी 2018 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और फिर 2019 में इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट LNT कंपनी को दिया गया था। और 2021 में अडानी ग्रुप ने ये पूरा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो खरीद लिया था। और उसके बाद भी कोविड की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और फाइनली अगर हम जाके देखें जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क इस प्रोजेक्ट का चालू हुआ है वो अप्रैल 2022 में चालू हुआ है और उसके बाद अभी तक ये प्रोजेक्ट का वर्क कंटिन्यूअसली
बिना किसी रुकावट के चल रहा है और जुलाई 2024 तक इस एयरपोर्ट का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ऐसा कंफर्मेशन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने पुणे के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। तो 1997 से लेकर 2024 तक ये पूरी एक लंबी जर्नी है इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन वर्क के रिलेटेड, जो कि एक 27 साल लंबी जर्नी है। इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 2.1 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और इसके अगर पूरे एरिया की बात करूं तो पूरा एरिया ऑलमोस्ट 2,800 एकर्स में फैला हुआ है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से 1,000 एकर ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 2 रनवे होने वाले हैं और 3 टर्मिनल्स होने वाले हैं। और अगर इससे हम कंपेयर करें छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से, तो वहां पे आपको 2 टर्मिनल्स और 2 रनवेज दिखेंगे। और कंपैरिजन में ये प्रोजेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई गुना बड़ा होने वाला है, जो कि नवी मुंबई और सेंट्रल लाइन में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं भी डुम्बली में रहता हूँ। और ये नवी मुंबई एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट अपने साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने वाला है। जैसे पिछले वीडियो में हमने नेरुल उरण रेलवे लाइन के बारे में जाना, और उसके साथ साथ नवी मुंबई मेट्रो 1 और मेट्रो 8 को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप एयरवे से ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैफिक के भरोसे आप नहीं रह सकते हो, और अगर आपको जल्द से जल्द पहुंचना है तो मेट्रो से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कैसे ये प्रोजेक्ट बहुत ही फायदेमंद होने वाला है हम सब के लिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर समझो आप अगर बदलापुर में रहते हो और अगर आपको जाना है गोवा, तो अभी आपको एक ही एयरपोर्ट अवेलेबल है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़नी होगी तो आपको विले पार ले जाना होगा, और एयरपोर्ट की जो रिपोर्टिंग टाइम होती है वो 2-3 घंटे पहले होती है। तो अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट 6 बजे की है और तो आपको रिपोर्टिंग टाइम होगा 4 बजे, और आपको बदलापुर से निकलना होगा एटलीस्ट 2 बजे, क्योंकि जो ट्रैवल टाइम है एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है, चाहे आप ट्रेन से ट्रैवल करो, बाय रोड ट्रैवल करो, या फिर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैवलिंग टाइम है ये नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने के बाद कुछ हद तक कम हो सकता है, जो कि एक बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि मुंबई से गोवा की जो एयर जर्नी है वो सिर्फ 45 मिनट्स की है, और उस 45 मिनट्स की जर्नी के लिए आपको मुंबई टू मुंबई में ही 2 से 3 घंटे का ट्रैवलिंग करना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉ है बहुत बड़ा। तो शायद कहीं ना कहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने के बाद ये चीज़ कम हो जाएगी। सो 2024 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो दोस्तों, ये था नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा अपडेट। तो फिलहाल वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए आपके नवी मुंबई के लोगों को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।